काय गुप्ति का अभ्यास करेंगे। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। रीढ़ की हड्डी व गर्दन को बिल्कुल सीधी रखेंगे। ओम की ध्वनि के साथ प्रयोग को प्रारंभ करेंगे। ओम अनुभव करेंगे पूरा शरीर स्थिर व शिथिल हो रहा है। दो तीन लंबे गहरे सांस के साथ प्रयोग को संपन्न करेंगे। लंबा सांस लेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। बत्तीस आगमों में एक आगम आता है दृष्टिवाद सूत्र। दृष्टिवाद सूत्र के मुख्यतः पांच अंग हैं, उनमें चौथा अंग इतिहास का है। अर्थात जितना इतिहास है वह सारा का सारा दृष्टिवाद के अंतर्गत आने वाला ज्ञान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हम इतिहास सुनने जा रहे हैं या जो भी इतिहास पढ़ते हैं वह आगम का ज्ञान है। इसकी अपनी उपादेयता है, इसकी अपनी उपयोगिता है। जिस व्यक्ति का इतिहास नहीं, वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं किया है। कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को अपना इतिहास रचना चाहिए।
प्रत्येक जाति, देश, वर्ग और दर्शन का अपना अपना इतिहास होता है और इतिहास के बल पर ही व्यक्ति अपने से पूर्व की स्थितियों का अध्ययन कर सकता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा पाता है। उपाध्याय ने अपने शिष्य को पूछा कि शिष्यों बताओ, एक पहेली पूछना चाहता हूँ, बताओ कि मधुर है किंतु मिष्ठान नहीं, बेजान है, बेजान में जान फूंकता है किंतु औषधि नहीं है, हृदय में गुदगुदी पैदा करता है किंतु नाटक नहीं है, बताओ वह क्या है। एक विद्यार्थी ने तत्काल उत्तर दिया, गुरुजी इतिहास। सचमुच जो इतिहास है वह मधुर है, संजीवन है, उसकी जानकारी हर व्यक्ति से उपयोगी है। हर व्यक्ति इतिहास को जानेगा तो जो उसे जो अच्छा लगेगा वैसा जीवन जी पाएगा। तीर्थंकर का जीवन वृत्त हम सुनने जा रहे हैं। तीर्थंकर का जीवन वृत्त जैन इतिहास की बहुत बड़ी निधि है। उस समय की धार्मिक परंपरा, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, राजनीतिक सारी बातें बताता है और कहते हैं कि तीर्थंकरों के इतिहास सुनने से क्या होगा। आचार्यों ने कहा है कि घोर उपसर्ग आने पर भी जो व्यक्ति बहुत निर्बल होता है, जो व्यक्ति मनोबल नहीं होता है, तीर्थंकरों की बात सुन करके, तीर्थंकरों का जीवन चरित्र सुन करके उसके जीवन में एकदम स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है। और ये भी बताया कि केवल यह कथा नहीं है, ये मोक्ष का रास्ता है। तीर्थंकर की बात सुनने का मतलब है कि हम मोक्ष के रास्ते की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी परमात्मा बनता है तो एक भव नहीं करता है, क्योंकि अनादि काल से हम सभी संसार से चलते आ रहे हैं। जो तीर्थंकर के जीव होते हैं वह भी अनादि काल से अनंत भव कर चुके हैं, अपने आप को तपाते हैं, खपाते हैं, तब कहीं जा करके उनको सिद्धियां मिलती है। आज हम तीर्थंकरों के जीवन की चर्चा करने वाले हैं, किंतु उससे पूर्व हम किस प्रकार उनके पूर्व जन्म हुए हैं, कैसे कैसे जन्मों में उन्होंने कितनी कितनी कठिनाइयों को सहन किया है और बाद में सम्यक्त रत्न को प्राप्त करके उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया और बाद में मोक्ष गए। तो सबसे पहले हम आज सुनेंगे भगवान ऋषभ के चरित्र को। भगवान तीर्थंकर बने उसके पूर्व, देखिए कुछ मान्यताएं मानती है कि भगवान तीर्थंकर ने 13वें भाव में मोक्ष, 13वें भाव में तीर्थंकर पद की प्राप्ति की थी और कुछ मान्यताएं ऐसी मानती है कि भगवान ने 10वें भाव में तीर्थंकर ऋषभ की प्राप्ति की थी। अनादि काल से बहुत व्यक्ति सिद्ध हो रहे हैं और कहते हैं कि इस जम्बू द्वीप में, इस मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है और इस असंख्यात द्वीप समुद्र के मध्य लोक में जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप के मध्य लोक में मेरु पर्वत है। मेरु पर्वत के पूर्व और पश्चिम दिशा में विदेह देश करके एक नगर है और उस नगर का नाम विदेह देश इसीलिए पड़ा क्योंकि वहां से जो भी मुनि होते हैं, वहां जो भी मुनि पैदा होते हैं, वे 8 कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और उन विदेह क्षेत्र में कहते हैं कि हर समय तीर्थंकर विराजमान रहते हैं और जैन धर्म चलता ही रहता है। इस पश्चिम विदेह में अलकापुरी नामक नगरी थी और वहां पर अतिबल नाम का विद्याधर राजा रहते थे। एक दिन जो ये अतिबल नाम का विद्याधर था, उन्हें वैराग्य हो गया और अपने पुत्र महाबल राजा को राज्य देकर के दीक्षित हो जाता है। यह महाबल राजा और कोई नहीं, ऋषभ देव का ही जीव है। अब राजा महाबल और 4 मंत्री थे। राजा महाबल राज्यकार संभाल रहे थे, सब कुछ अच्छा, राज्य व्यवस्था चल रही थी। एक बार महाबल राजा का जन्मदिन होता है और वहां पर 4 मंत्री उपस्थित होते हैं, महामति, संभिन्नमति, शतमति और स्वयं बुद्ध। स्वयं बुद्ध जो सबसे छोटा मंत्री होता है,
वे सम्यक दृष्टि होता है। शेष तीनों के तीनों मिथ्या दृष्टि वाले होते हैं। महावन राजा का जन्मदिन था और उस समय बहुत खुशियां मनाई जा रही थी, सब कुछ चल रहा था। इस स्वयं बुद्ध ने सोचा कि देखो आज राजा बड़ा प्रसन्न है, इसको मैं जैन धर्म का उपदेश दूं। तो फिर राजा को जैन धर्म का उपदेश देता है और कहता है, राजन यह राजलक्ष्मी आपको किसी पुण्याय से प्राप्त हुई है, आज है और कल हो सकता है नहीं हो, तो आप क्या करें, इहलोक और परलोक दोनों को सुधारे, केवल इसी में रचे पचे नहीं रहे। इधर स्वयं बुद्ध मंत्री अपनी बात कहता है, ये बात तीनों मंत्री सुनते हैं और राजा को कहते हैं, राजन यह ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे ही आप इसकी बातों पर ध्यान न दें। मंत्रियों में से तीनों मंत्री में से पहला मंत्री बोलता है, स्वयं पहला मंत्री महामति बोलता है, राजन परलोक आदि कुछ नहीं होते हैं, आप इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करें। दूसरा सभिन्नमति बोलता है, आत्मा स्वतंत्र तत्व ही नहीं है, वह तो हर क्षण क्षण संयोग से क्षणिक होती जा रही है। तीसरा जो शतमति होता है, वो कहता है कि सारा जगत शून्य रूप है, न कोई कर्म होता है, न कोई आत्मा होती है, न कोई धर्म होता है, राजन आप इसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। परंतु जो स्वयं बुद्ध मंत्री था, उन्होंने अनेक युक्ति अनेक दृष्टांतों के द्वारा राजा को समझाने का प्रयास किया, परलोक के अस्तित्व को बताया, आत्मा को बताया, कर्म को बताया और उनके फलों को भी बताया और सिद्ध करके दिखाया। इस प्रकार जैन धर्म की उसने बहुत प्रशंसा की। अभिदर स्वयं बुद्ध के युक्तिपूर्ण वचनों को सुन करके वहां के जितने भी सभासद बैठे थे, सदस्य बैठे थे, सभी ने जैन धर्म की वास्तविकता को जाना और महाबल राजा के मंत्री की बहुत प्रशंसा की और जैन धर्म को भी सोचा कि हम स्वीकार करेंगे। एक बार की बात है कि स्वयं बुद्ध मंत्री मेरु पर्वत की यात्रा पर जा रहा था। जब मेरु पर्वत की यात्रा पर गया, वहां पर वैसे ही जिन मंदिर में गया था और बैठ कर के आत्मगुणों के बारे में, अपने आत्मगुणों के बारे में चिंतन वचन कर रहा था, इतने में दो मुनि वहां पर आए और दोनों ही अवधि ज्ञानी मुनि थे। उस समय महाबल के राज्य के समय युगंधर नाम के तीर्थंकर का वाचना चल रही थी, उनका समवसरण था। अब देखिए युगंधर नाम के तीर्थंकर के वहां से दो मुनि आए और दोनों ही मुनि अवधि ज्ञानी थे, महाबल दिख रहे थे, महाप्रतापी सब। अब इतने में जो मंत्री था, मंत्री ने वंदन किया मुनियों को और सब बात पूछनी चाहिए कि मुनिवर आप तो अवधि ज्ञानी है, मैं कुछ बात पूछना चाहता हूँ आपसे। मुनि ने कहा कि ठीक है पूछो। देखिए हमारे राजा महाबल है, बताइए कि वह भव्य है या अभव्य जीव है, वह तीर्थंकरों द्वारा प्रदूपित जो धर्म है उसे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, और तो और कभी या कभी सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा क्या। मंत्री के इस प्रश्न से आदित्य नाम के जो मुनि थे उन्होंने समाधान देते हुए कहा कि ये तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे और यहाँ से जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में सबसे पहले तीर्थंकर बनेंगे ऋषभ देव नाम के। और मंत्री ने और भी बहुत कुछ जानना चाहा, तो इसमें वापस पूर्व भोग की बात बताते हैं। आदित्य मुनि बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें एक तुम्हारे राजा महाबल की पूर्व भोग की बात बताता हूँ। ये राजा महाबल जो पूर्व भोग में बहुत भोगों की इच्छा रखता था, किंतु भोग के साथ साथ उसने धर्म के बीज भी बोए थे। दो भाई थे, जय वर्मा और श्री वर्मा, ये दोनों भाई बड़े ही प्रिय थे, किंतु जो छोटा भाई श्री वर्मा था वे प्रजा को अत्यंत प्रिय था, इसीलिए राजा ने सोचा कि इसे ही राज्य का भार दे दिया जाए। राज्य का भार इसे दे दिया गया। जय वर्मा बड़ा होने पर भी उसे बड़ा दुख लगा, उसे बड़ा ही अपमान लगा और विरक्त होकर वह स्वयं प्रभु गुरु के पास में दीक्षित हो जाता है। एक बार की बात है,
वो बैठा रहता है और विद्याधर की विभूतियों को देखता है और उस समय ऐसा निदान करता है कि आगामी भव में अगर विद्याधरों जैसा महान वैभव मुझे प्राप्त हो गया तो कितना अच्छा होगा। ऐसा विचार कर ही रहा था कि इतने में एक सर्प आकर के उसे दंश लगा देता है और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होते ही वह वापस यहाँ पर पैदा होता है और मंत्री अब सुनो, अब तुम्हारे जो तुम्हारा राजा है वह तुमसे उपदेश भी सुनेगा, सब कुछ सुनेगा और जैन धर्म को स्वीकार करेगा। आगे फिर मुनि ने कहा कि आज ही तुम्हारे राजा ने दो स्वप्न देखे हैं। पहले स्वप्न में उसने देखा कि जो तीन दुष्ट मंत्री है उन्हें बलात्पूर्वक भीतर कीचड़ में फंसाए जा रहे हैं, किंतु तुम उसे क्या कर रहे हो, कीचड़ से बाहर निकाल करके सिंहासन में बैठा करके उसका अभिषेक कर रहे हो। दूसरा स्वप्न तुम्हारे राजा ने देखा है कि अग्नि की तीव्र ज्योति धीरे 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 कम होती जा रही है। ये दोनों स्वप्न देख करके राजा जो है अब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ पूछने से पूर्व ही तुम उसका उत्तर दे दोगे तो राजा बड़ा ही तुम्हारे वचनों से प्रभावित होगा और जैन धर्म को स्वीकार करेगा। इधर जो स्वयं बुद्ध था मुनि को वंदन करके चला गया और मुनि भी आकाश मार्ग से आए थे और वापस चले गए। इधर देखिए जैसे ही राजा उसकी प्रतीक्षा कर रहा है मंत्री आया। मंत्री सारी बात बताता है किंतु यह भी बताता है, देखिए मंत्री राजा को बता देता है कि आपको यह स्वप्न आया। राजा कहता है स्वप्न आया अच्छी बात है, किंतु इस स्वप्न का फल बताओ मुझे क्या होगा। तो वह बताता है कि मैं अवधि ज्ञान मुनि से पूछ के आया हूँ। पहले स्वप्न का फल है कि उसके आगामी भव जो कि आप इस भव से अभी मर करके आप स्वर्ग की विभूतियों को प्राप्त करेंगे, अच्छे स्वर्ग में पैदा होंगे। और दूसरा स्वप्न का फल है कि अब आपकी जो आयुष्य है केवल एक मास की शेष रही है। मुनि स्वयं बुद्ध की बात सुन करके जो राजा होते हैं बड़े ही मंत्री स्वयं बुद्ध की बात सुन करके राजा बड़ा ही प्रसन्न होता है और प्रसन्न होने के बाद सोचता है क्या करना चाहिए, दीक्षित हो जाता है वह। और उसी समय देखिए जो ये स्वयं बुद्ध मंत्री होता है उसे आचार्य बना देते हैं और दोनों एक दूसरे से दीक्षित हो जाते हैं। और अंत में पादोपगमन संतारा उसी दिन पचक करके ईशान में ईशान देवलोक में ललितांग नाम के देव के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार जो भगवान का पहला भव है कि कैसे महाबल राजा बनते हैं, अब दूसरा भगवान का भव आता है ललितांग देव, ऋषभ देव का दूसरा जीव होता है। अब महाबल राजा का आयुष्य पूर्ण करके ईशान स्वर्ग में ललितांग देव बनते हैं। देवलोक की विभूति देख करके वे आश्चर्यचकित रह जाता है, उसे बहुत कुछ सब कुछ अच्छा लगता है। अब जब वो वहां पर पैदा होता है तो अपने आप से पूछता है कि मैं कौन हूँ, आप सब मुझे नमस्कार क्यों कर रहे हैं। बोलता ही ऐसा है कि थोड़ी देर में ही उसे अवधि ज्ञान हो जाता है और अपने अवधि ज्ञान से पूर्व भव को देखता है कि कैसे उसका मंत्री स्वयं बुद्ध के कारण उसको यह सब कुछ प्राप्त हुआ है। अब स्वर्ग में ललितांग देव का समय बीतता जा रहा है, अब कुछ थोड़ा ही आयुष्य बचा है उसका। कहते हैं कि देवताओं का आयुष्य मिनिमम 10,000 वर्ष का होता है और मैक्सिमम 33 सागरोपम का होता है। अब ये जो ललितांग देव स्वर्ग में है अब इनका थोड़ा सा आयुष्य बचा है, इस थोड़े से आयुष्य में उसे स्वयं प्रभा नाम की एक देवी प्राप्त होती है जो उसे बड़ी ही प्रिय होती है। और उसके साथ ललितांग देव जो है बड़ा ही समय बिताता है, आदि आदि जगह जाता है घूमने के लिए, बहुत सारे मुनियों के दर्शन करने के लिए जाता है और अपना समय व्यतीत करता है। कहते हैं कि जो देवता होते हैं उनके 6 महीने पहले ही आयुष्य पूर्ण होने से 6 महीने पहले
बहुत सारे उनके चेंजेस आ जाते हैं। एक बार अचानक जब ललितांग देव बैठा था, उसने देखा कि उसके आभूषण जो है उसकी चमक चली जा रही है, माला कुंभला जा रही है, उसके विमान के जो कल्प वृक्ष है वे कांपने लग गए हैं। इस चिन्ह से वह समझ गया कि अब मेरा आयुष्य खत्म होने वाला है और मैं मरण काल में हूँ। उसे ये दुख नहीं है कि मेरा आयुष्य पूर्ण होने वाला है, किंतु उसे इस बात का दुख हो रहा है कि अभी तक मैंने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, कहीं मेरा भव नहीं बिगड़ जाए। देवों ने उसे समझाया, अब वह धर्म ध्यान में लग गया और धर्म ध्यान करते करते देखे अंत में वह अपना आयुष्य पूर्ण करके तीसरे भव में प्रवेश करता है। तीसरे भव में भी दूसरा आयुष्य पूर्ण कर तीसरे भव में जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह में पुष्कालवती देश में वहां के राजा वज्रबाहु के यहाँ पर ललितांग देव आयुष्य पूर्ण करके वज्र जंग कुमार बनता है। राजा वज्रबाहु का पुत्र वज्र जंग बनता है। ललितांग देव का बड़ा ही प्रेम था उनकी देवी से, स्वयं प्रभा देवी से। वो भी देखिए अब आयुष्य पूर्ण करके उसी पुंडरकिनी नगरी में वज्रगण चक्रवर्ती के यहाँ पे पुत्री रूप में उत्पन्न होती है। श्रीमती के जो दादा होते हैं मुनि यशोधर, उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है। अब जब ये बात श्रीमती को पता चलती है, वह जाती है वहां पर। वो वहां पर देखती है कि बहुत सारे विमान आ रहे हैं। जैसे ही वो विमानों को देखती है, उसे जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है और जाति स्मृति ज्ञान होते ही वह मूर्छित हो जाती है। खाली नाम लेती है ललितांग देव, ललितांग देव, कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाता है। किंतु एक पंडिता नाम की धाई माता होती है, वह बड़ी ही चतुर होती है। उसे वापस चेतन अवस्था में लेकर के आती है और पूछती है कि क्या हुआ, सारी बात बताओ। देखिए श्रीमती ने अपने पूरे भाव की बात बताई कि इस प्रकार मैं देवी थी और मेरा पति ललितांग देव था, किंतु देखो अब तुम क्या करो, ये चित्रपट बना करके लेके जाओ और ये चित्रपट जो भी उसके गुप्त रहस्य को समझ जाए तो तुम समझ लेना कि ये मेरा पति ललितांग देव ही है। इधर ये जो पंडिता होती है वह चली जाती है। अब इसके जो पिता होते हैं वज्रदन चक्रवर्ती के पास सूचना पहुंचती है कि मुनि यशोधर यानी राजा के पिताजी को केवल ज्ञान हुआ है। दो सूचना एक साथ प्राप्त होती है। पहली सूचना प्राप्त होती है कि उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है और दूसरी सूचना होती है कि उनके आयुष्य शाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। दोनों ही बड़ी खुशी की बात थी, किंतु वज्रदंत राजा ने सोचा कि सबसे पहले हम केवल्य महोत्सव मनाएंगे। वह जाता है अपने पिता के पास केवल्य महोत्सव मनाने के लिए। पिता का देखिए जैसे ही जाता है, वंदना करते करते उसकी विशुद्धता इतनी बढ़ती है कि उसे अवधि ज्ञान हो जाता है। राजा वज्रदंत चक्रवर्ती को अब अवधि ज्ञान से वह सब कुछ देख लेता है। केवल्य महोत्सव मना करके अपनी पुत्री के पास आता है, श्रीमती के पास, और अपनी पुत्री को कहता है कि पुत्री दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैंने अपने अवधि ज्ञान से देख लिया है कि जो तुम्हारा पति ललितांग देव पूर्व भव में अच्युत स्वर्ग में था, अगर तुम अभी क्या बनी हो, मेरी पुत्री बनी हो, और वह और कोई नहीं है, वह भी मेरा भांजा है। किंतु तुम सुनो, वह 3 दिन के बाद तुमसे मिलने के लिए आएगा और तुम ही उसकी पत्नी बनोगी। जब ये बात श्रीमती सुनती है, उसे बड़ी ही खुशी होती है। और इसी बीच में पंडिता जो होती है धाई माता, वह भी सूचना लेकर के आ जाती है कि यह सारी बात उसे बताती है कि वज्रदन ललितांग जैसे ही ये सारी चीजें चित्रपट देखता है तो बड़ा ही दुखी होता है, रोने लग जाता है। ठीक है, ये सारी बात जानकारी हो जाती है श्रीमती को। अब देखिए 3 दिन के बाद में वज्रबाहु अपने घर चक्रवर्ती के घर पर आते हैं, जो ललितांग देव है अपने पिता के साथ आता है। इधर राजा वज्रबाहु
वज्र दंत वज्र बाहु से कहते हैं कि मेरे यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं हैं, आप सबसे पहले अपने पुत्र वज्र जंग के साथ मेरे साथ आए हैं, तो आपको जो चीज पसंद आए वह ले ले। वज्र बाहु कहता है कि राजन, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, जो चीज आपके महल में है वही सारी चीजें मेरे यहाँ पर भी है। मुझे चाहिए तो आपकी पुत्री केवल, श्रीमती मेरे पुत्र वज्रजंग के लिए। राजा कहता है, वज्रदन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये पूर्व भव के संबंध से चले आ रहे हैं, तो ये अपने आप में विवाहित ही हो जाएंगे। वज्रजंग और श्रीमती का विवाह हो जाता है। और देखिए, समय बीतता जाता है। समय बीतते बीतते अब वह उत्पल खेतक गांव में आते हैं और कहते हैं कि उन दोनों के 98 पुत्र रत्न होते हैं। एक दिन वज्रजंग के जो पिता थे उन्हें संसार से वैराग्य हो गया और राज्य अभिषेक करके दीक्षा ले लेता है। श्रीमती के जो 98 पुत्र होते हैं वह भी दादा को देख करके वैराग्य हो जाता और दादा के साथ दीक्षित हो जाते हैं। इधर पुंडरकिनी नगरी में श्रीमती के पिता को भी संसार से विरक्ति हो जाती है, जो वज्रदंत चक्रवर्ती थे। अभितेज आदि पुत्रों को राज्य देना चाहते हैं, किंतु पुत्र कहते हैं कि हमको भी दीक्षा लेनी है। सभी के सभी दीक्षा लेना चाहते हैं। अब वज्रदंत चक्रवर्ती सोचता है कि किसको राज्याभिषेक किया जाए, तो उनका एक पुत्र होता है बहुत छोटा, उसको राज्याभिषेक कर दिया जाता है। वज्रदंत चक्रवर्ती अपनी 60,000 रानियां, 20,000 राजा तथा 1,000 पुत्रों सहित दीक्षित होता है। इधर राजमाता जो होती है वो सोचती है कि अरे, इतना छोटा पुत्र कि कैसे संभाल पाएगा, राजगद्दी को कैसे शासन चला पाएगा। उत्पल खेतक नगरी में सूचना भेजता है वज्रजंग को कि आप आइए, ये सारी चीजें संभालिए। वज्रजंग वहां से प्रस्थान कर देता है और वज्रजंग के साथ साथ मतिवर मंत्री, आनंद पुरोहित, धनमित्र सेठ, अकंपन सेनापति तथा रानी श्रीमती भी साथ में थी। ये 6 लोग एक साथ थे। चलते चलते राजा वज्रजंग जो होता है एक सुंदर सरोवर में आता है और वहां पर पड़ाव डालता है। सारा वन प्रफुल्लित हो उठता है। सारा वन के जितने भी पशु पक्षी होते हैं बड़े ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि ये तीर्थंकर, जो भावी तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनके इतने अतिशय होते हैं कि उनके अतिशय से सब के सब शांत हो गए। इधर देखिए, जैसे ही दोनों पति पत्नी वज्रजंग और श्रीमती खाना बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, आकाश मार्ग से दो मुनि आते हैं, मुनि दमधर और मुनि सागर से। राजा, मंत्री, सभा, वंदना, सभी उनको वंदना करते हैं। और वन में देखिए सिंह, बंदर, शुकर, पिग और नेवला भी खुशी से आते हैं। और मुनियों का अभिग्रह होता है कि जो भी मुझे जंगल में आहार मिलेगा उन्हीं से मैं आहार करूंगा। राजा, रानी, मंत्री सब उन्हीं को दान देते हैं। और देखिए, दान देते समय ये जो चारों पशु होते हैं वह भी बड़े ही खुश होते हैं। और उस समय 5 दिव्य वृष्टि होती है। पहले आकाश में की आकाश से रत्न वृष्टि होती है, पुष्प वृष्टि होती है, सुगंध बरसने लगते हैं, धुंधु भी बजाने लगते हैं। आकाश में देव अहो दानम गुंजाते हैं। ये सारी चीजें राजा वज्रजंग देख रहा है। अब दोनों मुनियों ने गोचरी कर ली। गोचरी करके जैसे ही जाने लगते हैं, अंतःपुर की जो दासी होती है वह कहती है, राजन, ये और कोई नहीं है, तुम्हारे दोनों छोटे पुत्र हैं, तुमने पहचाना नहीं। वज्रजंग जब ये देखता है उसे बड़ी ही खुशी होती है और मुनि को कहते हैं कि मुनि थोड़ी देर हमें सेवा करवाए। और सेवा करने बैठते हैं तो जानकारी करते हैं कि हमारा पूर्व भव क्या था। तब मुनि कहते हैं कि तुम देखो ललितांग देव से, वो सारा वर्णन करते हैं। वज्रजंग के मन में आश्चर्य होता है कि ये जो 4 पशु है
चार पशु कैसे इन मनुष्यों के बीच में एकदम अभय होकर के बैठे हैं? तो फिर मुनि कहते हैं कि राजन, ये चारों जीव भवी जीव है और भविष्य में तुम्हारे पुत्र होंगे और पुत्र होकर के मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो पूछा कि ये पशु क्यों बने? तो कहा, सिंह जो था पूर्व भाव में हस्तिनापुर का एक व्यापारी था, एक व्यापारी का पुत्र था जो बहुत ही क्रोधी था और क्रोध के कारण वह सिंह बना। ये शुकर तुम देख रहे हो, ये राजपुत्र था, तीव्र मान के कारण ये शुकर बना है। बंदर जो है ये वणिक पुत्र था, तीव्र माया के कारण ये बंदर बना है। और जे तुम ये हलवा नेवला को देख रहे हो, ये हलवाई का पुत्र था, तीव्र लोभ के कारण ये है नेवला बना है। और जब तुम ऋषभ के भाव में आओगे तो ये चारों जीव तुम्हारे ही पुत्र होंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और श्रीमती का जो जीव है, ये जो तुम्हारी पत्नी है, ये पहली दान करने वाली होगी, श्रेयांश कुमार बनेगी। ये सारी बातें वज्रजंग और ये दोनों सुन रहे हैं, उन्हें बड़ी ही खुशी होती है। इधर मुनि भी चले जाते हैं, इधर वज्रजंग और श्रीमती आते हैं अपने राज्य में आते हैं और सारा कुछ व्यवस्थित करके चले जाते हैं। वज्रजंग और श्रीमती दीर्घकालीन तक देखिए भोग विलास कर रहे हैं। इतने लोग दीक्षित हो गए किंतु फिर भी वह दीक्षित नहीं हुए दोनों, उनके मन में वैराग्य की भावना तक नहीं आई। वो अपना समय भोग विलास में बिता रहे हैं, उन्हें यह भी नहीं पता चला कि अब हमारा आयुष्य निकट आ रहा है। व्यक्ति को एक अवस्था के बाद चिंतन करना चाहिए कि हमारा आयुष्य निकट आ रहा है, अब हमें अपना समय धर्म ध्यान में लगाना चाहिए। अब देखिए, बहुत भोग सामग्री थी, एक बार स्वयं ग्रह में सो रहे थे दोनों के दोनों, और इतने सुगंधित पदार्थ थे उस रूम में, अचानक उस रूम में लग गई आग और सुगंधित पदार्थों की इतना धुआं हुआ कि इस धुएं से दोनों का दम घुट गया और दोनों के दोनों मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए। देखिए व्यक्ति की कैसी दशा हो जाती है। अब भगवान आते हैं चौथे भव में। कुछ जीव कुछ संप्रदाय मानते हैं कि भगवान ने चौथे भव में सम्यक्त्व को प्राप्त किया और कुछ संप्रदाय मानते हैं कि भगवान ने तेरहवें भव में सम्यक्त्व को प्राप्त किया। मेरु पर्वत की उत्तर दिशा में उत्तर कुरु नामक भोग भूमि होती है और वहां पर अति शोभनीय कल्प वृक्ष होते हैं और भोग भूमि बड़ी ही सुंदर होती है। वहां पर भगवान का जीव पैदा होता है। वज्रजंग और श्रीमती ने जो पात्र ज्ञान दिया था केवल दान के कारण, देखिए कारण उस पुण्य भूमि में वह अवतरित हुए। और वे जो चारों जीव थे, नेवला शुकर सिंह बंदर, वह भी यहीं पर उत्पन्न हुए, मंत्री के रूप में, पुरोहित के रूप में, आदि के रूप में उत्पन्न हुए। और जो चार लोग थे, मंत्री पुरोहित सेठ और अकंपन, ये चारों के चारों देखिए श्रीमती की मृत्यु को देख करके वैराग्य आ जाता है और प्रथम ग्रेवियक में उत्पन्न होते हैं। ये छवों जी भोग भूमि में अवतरित हुए हैं। ऋषभ के भगवान के जीव को तथा सात के पांचों जीव भोग भूमि में उत्पन्न हुए हैं और दोनों के दोनों देखिए पांचों के पांचों बड़ा ही आनंद मना रहे हैं। इधर एक बार की बात है कि दोनों दंपत्ति वज्रजंग और श्रीमती अपने छत पर बैठे हुए रहते हैं और अचानक से वह देखते हैं कि विमान आ रहे हैं उनके वहां से। उन्होंने मुनियों को रोका, मुनियों को कहा कि मुनिवर दर्शन तो दीजिए हमको। वज्रजंग ने कहा, मुनि जी मुझे आपको देखते ही बड़ी ही आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा क्या कारण है, हमारे क्या संस्कार है जिसके कारण मुझे खुशी होती है। तब मुनि ने कहा कि देखो, तुम मुझे उस स्वयं बुद्ध मंत्री से जानो जो महाबल का जीव जब तुम थे राजा थे, उस समय मैंने जैन धर्म का तुम्हें प्रतिबोध दिया और तुम्हारे मृत्यु के बाद मैंने जिन दीक्षा स्वीकार की और सोधर्म देव का अब मैं स्वर्ग में उत्पन्न हुआ।
और ये जो दूसरे मुनि हैं, ये मेरे लघु भ्राता हैं। अब हमने दीक्षा ले ली है दोनों मुनियों ने, दोनों मुनि बन गए हैं और आकाश मार्ग से कहीं और जा रहे थे। इतने में पता चला कि तुम यहाँ पर हो, तुम्हें प्रतिबोध देने के लिए आई है जैन धर्म के बारे में कि अब तुम सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, सम्यक दर्शन को सुनो। इतनी बात ये वज्रजन सुनता है और अपनी पत्नी को भी सब सुना रहा है कि देखो ऐसी ऐसी बात ध्यान से सुनो। और उस समय दोनों को सम्यक प्राप्त होता है। इधर ये दोनों मुनि चले जाते हैं, किंतु महाबल के जो जीव वज्रजन है उसके बार बार मन में आता कि ओह धन्य है ऐसे स्वयं बुद्ध मंत्री को, महाबल के समय में भी मुझे मुझे अलर्ट किया था और अभी भी इसने मुझे अलर्ट किया है। गुरु जो वह होते हैं जो इहलोक और परलोक को सुधारते हैं और ये मुझे सुधारने के लिए आए हैं। इधर आयु पूर्ण करके ये जो वज्रजंग नाम का व्यक्ति होता है वह ईशान स्वर्ग में अब उत्पन्न होता है। भगवान अब पांचवें भोग में आ गए हैं, दूसरे स्वर्ग में श्रीधर देव नाम का देव उत्पन्न हुए हैं। भोग भूमि का आयु पूर्ण किया और जो श्रीमती थी उसने स्त्री पर्याय को छोड़ करके स्वयं प्रभ नामक देव बना है। समय बीतता जा रहा है वहां पर भी देवलोक में और तिथि एक दिन बैठा रहता है, ये श्रीधर नाम का देव बैठा रहता है। खुद अपने अवधि ज्ञान से देखता है कि एक मुनि को केवल ज्ञान हुआ है। अब जब वो केवल ज्ञान देखता है मुनि का, अरे ये तो और कोई नहीं है, ये स्वयं बुद्ध मुनि ही है, मंत्री ही है जिसने मुझे उपदेश दिया था। मुझे तो जाना चाहिए इनके केवली महोत्सव मनाने के लिए। केवली महोत्सव मनाने के लिए वह जाता है और वहां पर जाकर के केवली महोत्सव मनाता है और भगवान को वंदन करके पूछता है मुनि को कि मुनि आपने तो दीक्षा ले ली, अपने का उद्धार कर लिया, मेरा भी उद्धार किया, किंतु मुझे ये एक बात बताओ, जो तीन मिथ्या दृष्टि मंत्री थे उनका क्या हुआ? तो मुनि कहते हैं कि सुनो, वो तीन मंत्री दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। पहले जो दो मंत्री हैं वह ऐसी निगोद दशा को प्राप्त हुए हैं, अति गाढ़ अंधकार में हैं, गिरे हुए हैं और अनंत जन्म मरण करेंगे वह और अपने आप को फिर भी अंधकार में बनाते जा रहे हैं। और तीसरा जो शतमती मंत्री है अपने मिथ्यात्व के कारण वह अभी नरक में है, किंतु विद्याधर किंतु श्रीधर तुमसे यह उपदेश सुन करके यह अपने आप में ठीक हो जाएगा। अब श्रीधर सोचता है कि मुझे जाना चाहिए। इधर जो ये केवली होते हैं वह सारा का सारा नरक का वर्णन श्रीधर को सुनाते हैं मुनि। और इधर ये मुनि चले मुनि अपने ध्यान में लग जाते हैं और श्रीधर सीधा नरक में जाता है अपने दोस्त से मिलने के लिए और उसे उपदेश देता है जैन धर्म का, उसे वही सम्यक्ति बनाने की कोशिश करता है। वह शांत होता है और अपना आयुष्य पूर्ण करके मनुष्य लोक में आता है और वहां आने के बाद देखिए उसे कुछ नहीं पता होता है। वहां पर वह शादी के लिए तैयारी होती है और उसी शादी के समय देखिए क्या होता है, वो श्रीधर देव वापस आता है क्योंकि देवों का आयुष्य बहुत होता है। श्रीधर देव आता है और उसे समझाता है, अपने नरकों का वर्णन सुनाता है। ये सारी बातें सुन करके उसे वैराग्य हो जाता है और दीक्षित हो जाता है और भविष्य में वह जब तीर्थंकर बनेंगे ऋषभ देव, जब वह भी उसी समय मोक्ष जाएगा। कहां तो वह नरक में था और अब इतना अच्छा आयुष्य करके इंद्र पद की प्राप्ति को प्राप्त कर लिया है। भगवान अपनी यात्रा में चलते जा रहे हैं, पांच भव भगवान ने अपने कंप्लीट कर दिए हैं। अब भगवान छठा भव सुवीरी राजा के रूप में उत्पन्न होते हैं और वहां पर श्रावक धर्म का पालन करते हैं। इधर देखिए बाल्य अवस्था में ही बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट होते हैं और श्रीधर जो सुवीरी राजा होते हैं, अभय घोष चक्रवर्ती की पुत्री
मनोरमा के साथ इनका विवाह कर दिया जाता है। एक पुत्र होता है, पुत्र का नाम केशव रखते हैं। ये पुत्र और कोई नहीं जो इनकी पूर्व जन्म की पत्नी श्रीमती थी, वही इनका पुत्र बनता है। संसार की भी देखिए अजीब लीला है, कभी कोई पत्नी बनता है, कभी कोई पुत्र बनता है, तो कभी कोई दोस्त बन जाता है। ये पुत्र रूप में आया। और इधर इस सुविधि राजा जो था, इसे बड़ा ही प्रेम था अपने पुत्र पर, एक मिनट भी पुत्र को अलग नहीं रखता था। और ये जो चारों जीव थे, सिंह, नेवला, शुकर और बंदर, ये चारों भी उसी वेश में राजपुत्र के रूप में आते हैं। इधर देखिए अभिघोष जो चक्रवर्ती होता है, वह वैराग्य की भावना आ जाती है और 18,000 राजा और 5,000 पुत्रों के साथ दीक्षित हो जाता है। और सुविधि राजा जो होता है, पुत्र मोह के कारण वह दीक्षित नहीं होता है। वह कहता है कि मैं 11 प्रतिमाओं का धारण करूंगा, 11 प्रतिमाओं का धारण करता और अपना जीवन यापन करता है। गृहस्थों के लिए देखिए 12 व्रत बताए हैं भगवान ने, कि 12 व्रतों की जो गृहस्थ साधना करता है, मैं नरक आदि, तीरियंत आदि जो दुख है, उन दुखों से टल सकता है। अब ये श्रावक जो सुविधि राजा था, अपनी साधना कर रहा है मोक्ष के रास्ते पर श्रावक बनकर ही। अब पुत्र जो था सुविधि का, वह भी दीक्षित हो जाता है, अच्युत स्वर्ग में पैदा होता है। और पूर्व भव के देखिए ऐसे संस्कार होते हैं कि चारों जो मंत्री, पुरोहित आदि जो होते हैं, चारों जो ये जीव होते हैं, शुक्र आदि और ये श्रीमती, ये सारे के सारे वापस एक ही देवलोक में आते हैं। इधर भगवान 6 भव को पार कर चुके हैं, अब 7 भव में आते हैं। और 7 भव में अच्युत स्वर्ग के रूप में, अच्युत स्वर्ग में देवलोक में उत्पन्न होते हैं। और देवलोक में भगवान अपनी अनंत, मतलब अपने अनंत सुखों को भोग रहे हैं। सुखों को भोगते भोगते देखिए वहां से फिर असंख्य वर्ष देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके भगवान और 8 भव में आते हैं। और 8 भव में वह तीर्थंकर के पुत्र के रूप में होते हैं। और वहां के वज्र नाभि चक्रवर्ती के रूप में भगवान का जीव पैदा होता है। इधर पिता वज्र सेन जो तीर्थंकर होते हैं, वह दीक्षित हो जाते हैं। और बाद में ये जो चक्रवर्ती होते हैं, वह भी सोचते हैं कि मुझे भी दीक्षित हो जाना चाहिए। तो वे भावनाओं को भाते रहते हैं और भी बहुत सारी आराधना करते हैं, 10 धर्मों का पालन करते हैं और अपनी साधना चलती रहती है। कहते हैं कि इस भाव में ये चक्रवर्ती को अक्षीण रिद्धि प्राप्त होती है। अक्षीण रिद्धि ऐसी रिद्धि होती है जिसके घर पर भगवान गोचरी के लिए जाते थे, चक्रवर्ती गोचरी के लिए जाते थे, उस घर में उस दिन अगर पूरी चक्रवर्ती की सेना को भी खाना आहार करा दिया जाए तो वह आहार कम नहीं पड़ता था। अब देखिए भगवान का जीव चलता जा रहा है। अब भगवान ऋषभ यहाँ से देवलोक हो करके 13 भव में महाविदेह क्षेत्र में पैदा होते हैं। और स्थिति प्रतिष्ठित नगर में धन्नावा सातवा के में रूप में उत्पन्न होते हैं। ये बड़े ही धनाढ्य व्यापारी होते हैं। दूर दूर तक कहते हैं कि धन्ना सेठ का व्यापार फैला हुआ होता है। एक बार अर्थोपार्जन करने के लिए, बहुत पैसा कमाने के लिए वह विदेश के लिए जाते हैं। तब विदेश जाते हैं तो उन्हें कुछ मुनि भी मिलते हैं। मुनि कहते हैं कि सेठ जी, मैं भी आपके साथ जाना चाहता है, हम भी जाना चाहते हैं, क्या आप हमारी सुविधा कर सकते हैं? धन्ना सेठ ने कहा, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा, आप चलिए, जरूर चलिए हमारे साथ। लेकिन मैं थोड़ा बिजी हो सकता हूँ, किंतु मेरे जो ये साथी है ना, सारे के सारे आपका हेल्प करेंगे। आचार्य धर्मघोष भी बसंतपुर इनके साथ चलते हैं, बहुत सारी अटवी आती है, पशु पक्षी सबसे लोग इनको बचाते हैं, खाने पीने का भी, सब चीजों का, मुनियों के गोचरी पानी सबका ध्यान रखते हैं।
और ये अत्यधिक सेठ भी बड़ा प्रसन्न होता है मुनियों की सेवा करके। अब धनासातवा अपने मनुष्य भव को पार करके अब देवलोक में उत्पन्न होता है। देखिए इतनी शुद्ध भावना उसके कि अब देवलोक में उत्पन्न होता है, देवलोक में उत्पन्न होकर के वापस मनुष्य लोक में आता है और वहां पर वापस वज्र नाभ करके वह जीव उत्पन्न होता है, विशुद्ध परिणामों के द्वारा दीक्षित होता है सबसे पहले। और दीक्षित होने के बाद देखिए उत्तरोत्तर वह उपशम श्रेणी को चढ़ता है, सबसे पहले आठवें गुणस्थान में आता है, आठवें गुणस्थान के बाद नौवें गुणस्थान में, फिर दसवें गुणस्थान में, दसवें गुणस्थान में थोड़ा सा उनका सूक्ष्म संप्राय रहता है और ग्यारहवें गुणस्थान में आता है, वहां पर थोड़ा सा मोह रहता है, किंतु उपशांत हुआ और औपशमिक चरित्र उनका प्रकट हो जाता है, किंतु अंतर मुहूर्त तक ही ग्यारहवें गुणस्थान में व्यक्ति रह पाता है। और वहां से देखिए वापस वे नीचे गिरते हैं और सातवें गुणस्थान में आ जाते हैं। इधर वापस एक बार दो बार देखिए वे उपशम श्रेणी करते हैं। ये जो मुनि बनते हैं उस समय पादोपगमन संतारा पचक लेते हैं। पादोपगमन संतारा वह संतारा होता है, उत्कृष्ट कोटि का संतारा होता है, जहाँ पर संतारा वाले जीव बिल्कुल भी हलन चलन कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे सोए हैं, चाहे मच्छर आ रहे कुछ भी आ रहे, किसी को कुछ भी उड़ाते नहीं है, बिल्कुल स्टेचू की तरह ही वह लेटे हुए रहते हैं। इधर पादोपगमन संतारा पचक से उस समय भी वह उपशम श्रेणी में चढ़ते हैं और कहते हैं कि ग्यारहवें गुणस्थान में भगवान ऋषभ देव का जो जीव होता है वह अपना देवलोक हो जाते हैं वहां से, और सर्वार्थ सिद्धि में अहम इंद्र पद को प्राप्त करते हैं। सर्वार्थ सिद्ध सिद्ध लोक से थोड़ा सा ही नीचे है, वहां पर 33,000 वर्ष से कहते हैं कि मानसिक दिव्य आहार करते हैं देवतागण, 16.5 महीने से एक बार केवल श्वास लेते हैं, अनंत गुना सुख भोग रहे हैं। और ये देखिए केवल एक ऋषभ का जीव ही नहीं, श्रीमती का जीव, आठों ही वह सारे दोस्त पशुओं का जीव, सारे के सारे यहाँ सर्वार्थ सिद्ध में आए हैं। वहां से सर्वार्थ सिद्ध का आयुष्य पूरा करके वापस भगवान आते हैं, मरुदेवा की कुक्षी में आते हैं। और मरुदेवा की जब कुक्षी में वह आते हैं तो माता सौदा स्वप्न देखती है, ऋषभ का जन्म होता है। और ऋषभ के जन्म में कहते हैं योगलिक लोग आते हैं, योगलिक देखिए वह चीज होते हैं, ऋषभ का जन्म हो गया, जन्म के समय में योगलिक आए हैं। और योगलिक युग में मनुष्य कोई श्रम नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, इतना आराम से बैठता है और उत्कृष्ट रूप से सारे भोगों को वह भोगता है, उनको श्रम की कोई जरूरत भी नहीं रहती है, क्योंकि 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं और 10 प्रकार के जो कल्प वृक्ष होते हैं उनकी पूरी आवश्यकता को पूरी कर देते हैं। पहला कल्प वृक्ष होता है मतंग नाम का, जो मध्य सदृश रस को देने वाला होता है, कुछ होते हैं प्रकाश देने वाला, कुछ होता है आमोद प्रमोद कराने वाला, कुछ कपड़े देता है, कुछ ग्रह देता है, कुछ अलंकार देता है, जो भी मांगो सब कुछ 10 कल्प वृक्षों से पूर्ति हो जाती है। अब योगलिक जीवन का देखिए मुख्य तथ्य क्या है, योगलिक जो पुरुष होते हैं वह एक पुरुष और एक स्त्री के रूप में उत्पन्न होते हैं, भाई बहन के जोड़े में उत्पन्न होते हैं, वही भाई बहन आगे जाकर के पति पत्नी बनते हैं, माता पिता बनते हैं, फिर पुत्र पुत्री होकर के ऐसे पारिवारिक संबंध रहते हैं, कोई बड़ा संबंध उनका नहीं होता, राजा प्रजा की भी कोई व्यवस्था नहीं रहती, कोई समाज नहीं रहता, घर गांव बस्ती कुछ भी नहीं रहते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं रहते, न शस्त्र अस्त्र रहते हैं, अपक्व भोजी होते हैं वह, न ही तो कोई आहार पानी करते हैं, न गाय भैंस अश्व आदि कुछ भी नहीं होते हैं, और न तो वह सामायिक करते हैं, न पोषक करते, कुछ भी नहीं करते हैं,
करोड़ों वर्ष का उनका आयुष्य होता है और न ही कोई अति मति कृषि कुछ भी नहीं होते हैं। यौगलिक जीवन के मन में देखिए कोई ईर्ष्या भी नहीं रहती है, उनके मन में कोई भी प्रकार की न तो किसी के प्रति द्वेष की भावना कुछ भी नहीं रहती है। अपना जीवन आयुष्य सही से बिताते हैं। किंतु धीरे धीरे देखिए समय का परिवर्तन होता है, यौगलिक कुल खत्म होने लगता है और फिर लड़ाई झगड़ा सब कुछ शुरू होता है। भगवान ने फिर असि मसी कृषि की कृषि को इन्वेंशन किया था। सभी को पता है कि भगवान ऋषभ का जीवन कैसे रहा। भगवान ने वंश की उत्पत्ति की, इक्ष्वाकु वंश में भगवान के जो इक्ष्वाकु वंश में भगवान का जीव पैदा हुआ, भगवान की विवाह होती है, 100 संतानें होती है, 100 लड़के होते हैं और 2 पुत्रियां होती हैं। भगवान का राज्याभिषेक भी किया जाता है क्योंकि उससे पूर्व कोई भी राजा नहीं होते हैं। भगवान कृषि कर्म की शिक्षा देते हैं, भोजन पकाने की विधि सिखाते हैं, असि मसी कृषि सिखाते हैं, लोगों को बताते हैं कि कैसे अग्नि की उत्पत्ति कराई जाए, सेवा व्यवस्था देते हैं, वर्ण व्यवस्थाएं देते हैं कि 4 प्रकार के ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल, शुद्र कुल, ये कुल बनाते हैं भगवान। उसी समय से विवाह की प्रथा भी शुरू होती है, ग्राम ग्राम की व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। भगवान के समय इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई थी कि दंड विधि का भी भगवान ने विधान कर दिया था। 4 प्रकार की दंड विधि बताई गई है। पहली दंड विधि बताई गई परिभाषण, यानी कोई छोटा पाप करेगा तो अपराधी को कठोर शब्दों से प्रताड़ित किया जाएगा। मंडली बंद, यानी अपराधी को सीमा विशेष में ही रोके रखना। तीसरा बताया चारक बंद, अपराधी को विशेष स्थान में रोक करके कैद में रखना, जेल में रख देना। और छविक छेद, अपराधी के अंग विशेष का छेदन करना, यानी कोई भी अंग का छेद विच्छेद कर देना। तो इस प्रकार की भगवान ने 4 प्रकार की दंड नीतियां बताई। भगवान ने कला प्रशिक्षण की भी अपने पुत्र और दोनों पुत्रियों को सिखाई। इधर भगवान अब सब कुछ सिखाने के बाद देवता आते हैं और भगवान को कहते हैं कि भगवान अभिनिष्क्रमण की तैयारी कीजिए। भगवान अभिनिष्क्रमण करते हैं, 84 लाख पूर्व का उनका जीवन होता है। फिर अभिनिष्क्रमण करके प्रथम 12 महीने तक भगवान को कुछ भी नहीं मिलता है। प्रथम दान देने वाले श्रेयांश कुमार होते हैं, यह वही श्रेयांश कुमार है जो पूर्व जन्मों से भगवान के साथ साथ में कभी पुत्र केशव के रूप में उत्पन्न हुई थी, कभी श्रीमती पत्नी के रूप में उत्पन्न हुई थी। और प्रथम दान श्रेयांश कुमार देते हैं, विद्याधरों की उत्पत्ति होती है, अहो धानन की गुंज होती है, भगवान सर्वज्ञता की प्राप्ति करते हैं। 1000 वर्ष तक भगवान छद्मस्थ अवस्था में रहते हैं। इस प्रकार भगवान मरुदेवा माता जब भगवान के दर्शन करने के लिए आती है तो मरुदेवा माता को सिद्धि उस समय प्राप्त होती है। भरत बाहुबली का युद्ध होता है। इस प्रकार भगवान इतिहास में बाहुबली को केवल ज्ञान होता है, जैनत्य साहित्य का वर्णन होता है। जैनत्य साहित्य में भी देखिए ऋषभ का वर्णन किया गया है, ऋषभ को पुराणों में वर्णन किया गया कि ये नाभि का प्रिय मरुदेवा की कुक्षी में बालक ऋषभ का जन्म हुआ है। वेदों में भी इन्हें माना गया है। निर्वाण भगवान अब निर्वाण को प्राप्ति हो जाती है। काफी लंबा समय भगवान अपना इस जन्म भूमि में यानी यहाँ पर तीर्थंकर के रूप में भी बिताते हैं। और भगवान का परिवार जब दीक्षा लेते हैं तब कहते हैं कि 4000 शिष्य उनके साथ दीक्षित हुए थे, किंतु भगवान मौन से जब तक छद्मस्थ अवस्था में थे भगवान ने मौन थे और कठोर साधना की, तो बहुत सारे लोग सोचे कि भगवान तो बोल नहीं रहे हैं तो चले गए। भगवान उनके गंधर्व होते हैं 84, केवल ज्ञानी होते हैं 20000। इस प्रकार भगवान के साधु साध्वी, माता होती है मरुदेवा, पिता होते हैं नाभि,
साधु कहते हैं 84 लाख साधु होते हैं और उसमें प्रमुख रहते हैं ऋषभ सेन और साध्वियां होती है 3 लाख और उनकी प्रमुखा होती है ब्राह्मे और श्रावक होते हैं 3,05,000 और श्राविका होती है 5,54,000। तो इस प्रकार भगवान का पूरा जीवन हमने सुना कि किस प्रकार से ऋषभ देव ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। आप केवल देखिए ये तीर्थंकरों के बहुत सारे अतिशय भी होते हैं, इतने सारे अतिशय होते हैं। तीर्थंकर गोत्र बंधन के भी 20 कारण माने गए हैं, कोई तीर्थंकर ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। तो सबसे पहली बात तीर्थंकर गोत्र बंधन का बताया है कि अरहत के प्रति जो भक्ति रखते हैं, नमो अरहंताणं जो हम बोलते हैं, अरहत के प्रति जितनी भक्ति भावना होती है व्यक्ति तीर्थंकर गोत्र का बंधन कर सकता है। दूसरी बात बताई गई सिद्ध के प्रति भक्ति, जितने भी सिद्ध आत्माएं हो चुकी है उनका गुणगान करना, प्रवचन के प्रति भक्ति होनी चाहिए। चौथी बात बताई गई गुरु की उपासना सेवा करना, गुरु बतलाए नहीं बतलाए किंतु केवल उनकी उपासना सेवा आदि करना। सविर यानी जो वृद्ध लोग हो जाते हैं उनकी उपासना करना। बहुश्रुत जो कि बहुत ही एक्सपर्ट बहुश्रुत परिषद होती है उनकी उपासना करना। जो भी तपस्वी होते हैं तपस्वी मुनियों की उपासना करना। एक बात बताई है ज्ञान में निरंतर उपयोग रखना, निरंतर ज्ञान करते रहना, दोष रहित सम्यक्त्व की अनुपालना करना और जो भी गुणीजन व्यक्ति है उनको विनय करना, उनकी प्रमोद भावना करना। आवश्यक यानी 6 आवश्यक बताए गए हैं, सामायिक 24 तप वंदना प्रतिक्रमण कायोत्सव प्रत्याख्यान, इन सभी को समय समय पर करना। अभी कई लोग फ्री भी होते हैं और नहीं भी है तो लक्ष्य बनाए कि अगर छुट्टी है तो हम कितना प्रतिक्रमण कर सकते हैं शाम के समय में। तो ये 6 आवश्यक बताए गए हैं, इनकी अगर विधि पूर्वक पालन करें तो तीर्थंकर गोत्र का बंधन होता है। शील और व्रत का पालन करते हैं, वैराग्य भाव में वृद्धि करना, कोई भी वैरागी जीव है उसको हेल्प करना कि तुम और कैसे अपने वैराग्य को बढ़ा सकते हो। तप वह त्याग में संलग्न होना, समाधिमय जीवन जीना, अपूर्व ज्ञान का अभ्यास करना, सुपत्र दान देना, वीतराग वचनों पर यानी जो भी तीर्थंकर के वचन है उन तीर्थंकर के वचनों पर श्रद्धा रखना और जिन शासन की प्रभावना करना। ये 20 कारण बताए हैं तीर्थंकर नामकरण के बंधन करने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति तीर्थंकर ऐसे ही नहीं बनता है, बहुत सारी चीजें देखिए जैसा कि शुरू में बताया गया कि अनंत जन्म करते करते कितना वह तपते हैं खपते हैं सब कुछ करते हैं तब कहीं जा करके वह तीर्थंकर गोत्र का बंधन करते हैं। और आज हमने सुना कि कैसे भगवान ऋषभ के देखिए 13 भव तो ऐसे ही बताए हैं, कितने अनादि काल से कितने भव हुए हैं किसी को नहीं पता है। तो भगवान ने कैसे सम्यक्त्व को प्राप्त किया, कैसे वह तीर्थंकर बने, कैसे तीर्थंकर बनने के बाद कितने लोगों का उद्धार भी किया, इस प्रकार भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। समनी जी मंगल पाठ कर दीजिए फिर मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा। सुनिए मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली सन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंती शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी वेक्षणो नाम गुणे ओळत समरण किया करे अचिंत्या काम करे अचिंत्या काम।